हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में। तो पीसी ज्वेलर्स का जो शेयर है वो अभी 76 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज भी इसमें 80 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। और आज का अगर आप चार्ट देखें तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। 77.30 उसका प्रीवियस क्लोज था, ओपन हुआ तब 77.35 पे ओपन हुआ। उसने दिन का हाई बनाया था 77.70, लेकिन 74 रुपीज़ तक ये जा चुका था। तो हाल फिलहाल में पीसी ज्वेलर्स में क्या करना चाहिए, इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना चाहिए वो भी मैं आपको शुरू में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर पीसी ज्वेलर्स के पिछले एक हफ्ते का अगर मैं डेटा निकालूं तो पिछले एक हफ्ते में पीसी ज्वेलर्स में 6.37% की गिरावट है। 76.40 का लो बना है और 81.60 का हाई बना है। अब चार्ट देखिए, कंटिन्यूस नीचे गिरता हुआ आ रहा है और हालांकि पिछले एक दिन में इसमें अपर सर्किट भी लगाई थी। पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो 7.28% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 76.40 रुपीज़ का लो है और 87.80 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था। यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ है वापस संभलने का मौका नहीं मिला। बीच बीच में एक दो अपर सर्किट लगी भी थी, लेकिन अगेन बाद में वो फिर से गिरावट का माहौल इसमें चालू है। अगर बात करें पिछले एक साल की, तब तो हालत और भी ज़्यादा खराब है। 86% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 48 रुपीज़ का इसने लो बनाया था और 581 रुपीज़ का हाई बना था। यहाँ से ये गिरना इतना स्टार्ट हुआ है। पिछले 3 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में 57.69% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 48 रुपीज़ का लो है और 586 रुपीज़ का हाई बना था। यहाँ से आप देख सकते हैं जो तेज़ी आई थी और यहाँ से जो सडन गिरावट आई है, किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं दिया है इसने। अब बात करें तो देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, 3,015 करोड़ का मार्केट कैप है। एनएससी में भी अगर देखेंगे तो 77 लैक्स के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट तो जैसे आपको पता ही है, काफ़ी पुअर रिजल्ट है इसके। जो सितंबर की भी अगर हम बात करें तो 32% की गिरावट है नेट सेल्स में और नेट प्रॉफिट में 34% के आसपास की गिरावट है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज है, लेकिन नेट सेल और नेट प्रॉफिट में ही गिरावट है। नेक्स्ट रिजल्ट जब आएगा तब इसके बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। और बात करें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए, 57.59% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईएल के पास 13.52% की होल्डिंग है और आप देखिए म्यूचुअल फंड के पास सितंबर में होल्डिंग थी 0.86% की होल्डिंग थी, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग सारी की सारी होल्डिंग गिरा दी है। अभी म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 27% की होल्डिंग है ऑलमोस्ट। अब प्रमोटर्स के एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। 96 FIIs ने इसमें अपना पैसा लगाया है। और बात करें डिविडेंड की तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 5% का डिविडेंड पे कर रहा है। अब पीसी ज्वेलर्स में अगर मनी कंट्रोल में जाऊँ, देखिए 62% लोग बाय के लिए अभी भी बोल रहे हैं, 23% सेल के लिए बोल रहे हैं, 15% लोग इसमें होल्ड के लिए बोल रहे हैं। और बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा फाइनेंशियल रिपोर्ट की इसके, तो देखिए कर्जा है इनके ऊपर 1,050 करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर और टोटल असेट्स तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास के हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो नेट प्रॉफिट और नेट सेल में इसकी प्रॉब्लम्स है। तो जब तक वो करेक्ट नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इसके शेयर्स में उछाल आने की उम्मीद है। तो जब तक अगला क्वार्टर रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं पीसी ज्वेलर्स में मैं हाल फिलहाल में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे रिटर्न दे पाएगा अभी। क्योंकि देखिए यही होगा कि अब आप अगर एक दो अपर सर्किट अगर इसमें लगा दी और आप अगर इसमें बाइंग के लिए सोचोगे तो उसके अगले ही दिन इसमें गिरावट आ जाएगी। जैसे ये आगे भी हो चुका है, अपर सर्किट इसने लगाना शुरू की, बड़ी बड़ी अपर सर्किट,
लोगों ने शेयर खरीदना शुरू कर दिया और उसके बाद जो गिरावट आई आपको बेचने तक का भी ये मौका नहीं देगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हाल फिलहाल में पीसी ज्वेलर्स में रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी वो काफी सारे शेयर्स हैं जिसमें वो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर्स से तो फिलहाल दूर ही रहे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।